हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में कुकिंग विद शालिनी। कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल सभी का करता है, बाजार से हम खरीद के लाते हैं, कितने केमिकल्स रहते हैं उसके अंदर, बहुत नुकसान करती है बाजार की कोल्ड ड्रिंक। क्यों ना आज हम घर में ही बनाएं बच्चों के लिए और खुद भी पिए मजे से। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल बाजार जैसी फैंटा। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल बाजार जैसी फैंटा बनाने। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी का जार, बहुत ही आसान है बनाने, घर में बड़ी चीज़ों से हम इसको बना सकते हैं। तो मिक्सी का जार हम लेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी चीनी। चीनी को हम पीस लेंगे, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। तो लीजिए चेक कर लेते हैं। तो चीनी को हमने पीस लिया है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल फाइन पाउडर में हमने इसको पीस लिया। कुछ इस तरह से हमने इसको पीसते हैं, इस तरह से हाथ लगाएंगे तो बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में हमने इसको पीस लेना है। पिसे पिसे चीनी भी बाजार से मिल जाती है, लेकिन घर में हमारे पास चीनी पड़ी रहती है, तो हम इसको मिक्सी के जार में डालें इस तरह से और फटाफट से पीस लें, तो जल्दी से ये पिस जाती है। तो लीजिए हमने चीनी तो पीस ली। अब फैंटा को बनाने के लिए हम लेंगे अपना एक ग्लास, हम डायरेक्ट इसको ग्लास में बनाएंगे, आप किसी भी यूटेंसिल्स में इसको बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें ग्लास में बनाएंगे क्योंकि इसमें जो है गैस मेंटेन रहती है। तो लीजिए हमने ये ले लिया ग्लास, इसमें डालेंगे हम चीनी, पिसी हुई चीनी डाल लेंगे तकरीबन आधा चम्मच। तो लीजिए ये हमने सिरप लिया है, ये हमारा ऑरेंज का सिरप है, बाजार से आसानी से मिल जाता है। ऑरेंज रसना ले सकते हैं, ऑरेंज शरबत ले सकते हैं कोई भी, तो ये आसानी से बाहर बाजार में मिल जाता है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे डाल दूँगी, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। तो हम इसको डाल देंगे इसमें तकरीबन दो चम्मच, दो बड़े चम्मच इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने चीनी को घोल लेना है इसमें, इस तरह से हम दो ग्लासेस में बनाएंगे। तो एक तो हमने ये ले लिया और एक हम और ग्लास लेंगे, इसमें भी डाल देंगे चीनी, ये देखें आधा चम्मच चीनी डालेंगे और इसमें दो टेबलस्पून जो है हम ऑरेंज रसना के डाल देंगे। ऑरेंज रसना ले लें, ऑरेंज शरबत ले लें, जो आपके पास अवेलेबल हो आप ले लें। इस तरह से कलर भी आप देखेंगे इसका बहुत बिल्कुल ही फैंटा जैसा कलर आएगा। तो लीजिए हमने दोनों को कर लिया मिक्स अच्छे से, एक बार दोबारा से इसको हिला लेंगे। तो हमने इसको मिक्स कर लिया दोनों को, इसमें हम डाल देंगे आइस क्यूब्स। ये बिल्कुल ही बाजार जैसी बनती है, जब आप इसको बनाएंगे और पियेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपने घर पर बनाई हुई है, आपको लगेगा कि ये बॉटल खोल कर आप फैंटा पी रहे हैं। तो ये बिल्कुल बाजार जैसी जो है बनकर रेडी होगी। तो हमने डाल दिया इसमें दो दो आइस क्यूब्स, आप ज़्यादा डालना चाहते हैं ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोडा, ये मेरे पास सोडा की बॉटल है खिनले की, आप कोई भी सोडा की बॉटल जो है ले सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे इसका भी मैं लिंक डाल दूँगी, आप परचेज कर सकते हैं। वैसे बाज़ार में तो ये सब जगह मिल ही जाती है। इसको खोलेंगे, फ्रेश बॉटल लें और फ्रेश खोलें, पुरानी पड़ी हुई मत लें क्योंकि गैस जो है इसकी निकल जाती है। ये देखें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी गैस बन रही है, ये मैं इसको मिक्स करूँगी। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही बाजार जैसे फैंटा बनकर तैयार हो गई है मिनटों में। इसके अंदर गैस भी बहुत है, आप देख सकते हैं किस तरह से इसके बबल्स उठ रहे हैं। दूसरे में भी हम डाल देंगे इसी तरह से, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए किस तरह से फैंटा जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल ही कलर आ रहा है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। सोडा जो हो बिल्कुल चिल्ड सोडा लें, फ्रीज़र में रखकर पहले उसको ठंडा कर लें, खूब उसमें ठंडक आ जाए, थोड़ी सी आइस भी उसमें जमने लगे, तब तक आप इसको रखें तो आपकी फैंटा जो है और भी बढ़िया बिल्कुल बाजार जैसी बनकर तैयार होगी। तो लीजिए हमने इसमें डाल दिया, थोड़ा थोड़ा हम इसमें और डाल देंगे इस तरह से, एक बार हल्के हाथ से इसको हिला लेंगे। तो लीजिए बनकर तैयार हो गई बिल्कुल बाजार जैसी हमारी फैंटा, आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देख रहे होंगे आप बबल्स इसमें किस तरह से इसके अंदर जो है गैस भरी हुई है, तो बिल्कुल बाजार जैसी हमारी जो है ये फैंटा बनकर तैयार हुई है, विदाउट केमिकल्स, बिल्कुल नुकसान ना करने वाली जो है ये होममेड फैंटा हमारी बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, खुद भी पिए, बच्चों को भी पिलाएँ और मज़ा लें। घर में गर्मियों में इसको पियेंगे बहुत ही मन अच्छा लगेगा आपको, पीकर ये ठंडक मिलेगी खूब। तो मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दें मेरी, खूब शेयर करें मेरी ये रेसिपी और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।